क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा इंजन कितना विशाल और शक्तिशाली है? आज तक का बना सबसे ताकतवर ट्रक इंजन वॉल्वो का आयरन नाइट है, जो 4 फीट ऊंचा और 2400 हॉर्स पावर जितनी ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद भी इस दुनिया के सबसे विशाल इंजन वॉटसला के आर्टीफ्लेक्स 96C के सामने मात्र एक खिलौना लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंजन है जो एक मेगा शिप को प्रोपेल करता है। अब इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंजन के बारे में और जानने से पहले हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस विशालकाय इंजन की ऊंचाई 44 फीट और लंबाई 87 फीट है। इसी के साथ ये इंजन 110,000 हॉर्स पावर जितनी ऊर्जा जनरेट करता है। वहीं दूसरी ओर वॉल्वो ट्रक का सबसे ताकतवर इंजन केवल उसकी 3% पावर ही जनरेट कर सकता है। ये बड़े कंटेनर जहाजों के लिए डिजाइन किया गया है जो कच्चे ईंधन यानी कि हैवी फ्यूल पर चलते हैं। आर्टीफ्लेक्स 96C अपनी एक मेगा इंजन होने की छवि को बरकरार रखते हुए हर घंटे 13,000 लीटर हैवी फ्यूल की खपत करता है। इस इंजन का वजन 2.3 मिलियन किलोग्राम है और ऊंचाई में ये लगभग एक 4 मंजिला इमारत के बराबर है। 102 रेवोल्यूशंस प्रति मिनट की आरपीएम से चलने वाले इस इंजन का टॉर्क किसी भी टैंक के टुकड़े कर देने के लिए काफी है। साथ ही में ये 80 मिलियन वॉट की ऊर्जा उत्पन्न करता है जो किसी 660,000 की आबादी वाले शहर को ऊर्जा दे सकता है। अगर आपको इस इंजन के ऊपर के प्लेटफॉर्म में जाना पड़े तो फिर आपको एक लंबी सीढ़ी की आवश्यकता होगी ही, जो इसके शिप पर इंस्टॉल होते समय ही इस पर रेलिंग्स के साथ लगा दी जाती है ताकि इंजीनियर्स और वर्कर्स का काम आसान हो सके। अब आप सोचते होंगे कि भला किस जहाज को इतने बड़े इंजन की जरूरत आ सकती है, तो आपको बता दें कि 2006 में आर्टीफ्लेक्स 96C को एमा मार्क्स नाम के एक शिप पर इंस्टॉल किया गया जो उस समय का सबसे बड़ा कंटेनर शिप था। ये जहाज 31 नॉट्स या 57.4 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार पर समुद्र की सवारी करते हुए अपने ऊपर 11,020 फुट लंबे कंटेनर्स ले जा पाने की काबिलियत रखता है। गौरतलब है कि इस क्लास के बाकी जहाज केवल 20 से 22 नॉट्स तक की ही रफ्तार पर क्रूज कर सकते हैं। ये जहाज आमतौर पर कार्गो को चाइना से US ले जाने का काम करता है, जिसे ये अपने प्रतिद्वंदी जहाजों से 4 दिन पहले ही पहुंचाने में सक्षम है, जिस वजह से ये काफी किफायती भी साबित होता है। ये इंजन बंकर फ्यूल, डिस्टिलेट मरीन डीजल, नेचुरल गैस, ईथेन और LPG जैसे अलग अलग ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग करने में सक्षम है और इन पे चल सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो इस इंजन का 2.3 मिलियन किलोग्राम का वजन ऐसे 33,000 व्यक्तियों के बराबर होगा। इन सभी विशेषताओं के कारण ही इस इंजन ने अपनी जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े इंजन के तौर पर बनाई है। और तो और, इस मेगा इंजन को बनाने की लागत तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। अब इस जहाज के इतने विशालकाय नंबर्स को देखकर किसी के भी दिमाग में ये आना लाजमी है कि इससे बहुत एयर पोल्यूशन होता होगा, पर असल में ये इंजन अपने आकार के हिसाब से बेहद एफिशिएंट है, जो इसे बाकी जहाज के इंजन से सबसे कम पोल्यूटिंग बनाता है। और तो और, एग्जॉस्ट गैसेस जो कंबस्टन के दौरान बनती हैं, उसे एक स्टीम जनरेटर से गुजारा जाता है, जिससे निकली स्टीम को फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की टर्बाइन घुमाने में इस्तेमाल किया जाता है और जहाज के लिए बिजली जनरेट की जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं जहां एक तरफ इंजन के एमिशंस को कम करती हैं, वहीं दूसरी ओर जहाज को प्रोपेलिंग के अलावा अन्य कार्यों में ऊर्जा दे पाने में सहायक भी बनती हैं। आप ऐसे किस इंजन के बारे में जानते हैं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।